आदाब एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी, जो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बेसन की रोटी बनाने के लिए जो जो अज्जा चाहिए और उसकी तरकीब बताने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। चलिए जी, अब जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमने एक कटोरा ले लिया। एक कप हम बेसन ले रहे हैं, आधा कप हमने आटा ले लिया है, इन दोनों को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा नमक, मैं थोड़ा ही सही बता रही हूँ आपको बना के, क्योंकि एक या दो रोटियाँ बनाएंगे हम इसमें। अच्छा, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, अगर हरी मिर्चें हैं तो काट के डाल दीजिए, नहीं तो मैं उसका पेस्ट डाल रही हूँ, मैं पेस्ट डालूँगी हरी मिर्चों का, पीस के डाल रही हूँ। और लाल मिर्चें हैं तो आप लाल मिर्ची किसी भी डाल सकते हैं और कुटी हुई, तो मैं हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूँगी इसमें। ये किसी भी थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर दी। अब इसमें कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, थोड़ी सी इसमें हम प्याज शामिल करेंगे कटी हुई बारीक। अब इन्हें मिक्स करेंगे, जैसे आटा गूंथते वैसे गूंथेंगे इसको। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम ऐसे, इसकी मदद से ये गूंथ रहे हैं। जैसे आप आटा गूंथते हैं वैसे ये गूंथेगा। ये देखें, ये देखें आटा हमारा गूंथ गया। इस तरह रखना है, पानी कम लगाना है आपने। ये इस तरह बना लिए, इसमें से थोड़ा सा आटा हम लेंगे, जैसे रोटी पकाने के लिए लेते हैं वैसे ही लेंगे थोड़ा सा। ये इस तरह इसको करेंगे और खुश्की लगाते जाएंगे साथ में जब बेलेंगे। ये कर लिया, ये देख सकते हैं हमने खुश्की ले ली है, ये आटा ही लिया है। इसमें इसको रखेंगे, इस तरह प्रेस करेंगे, लगा ली, पटे पे रखेंगे, रख लिए पटे पे। अब इसको हाथ से यूँ कर लिया, नहीं तो दोनों हाथों की मदद से यूँ करके घुमाते रहें, ये बढ़ती जाएगी आपकी इस तरह, ये इस तरह बढ़ती जाएगी। अब बेलन लेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे। मेरे एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं इस तरह करके आपको बता रही हूँ। ये दूसरी साइड से आपने इस तरह करना है। ये देखिए, हमारी रोटी बेल गई है। अब तवा रखेंगे, ये आप देख सकते हैं पराठे वाला तवा रख दिया मैंने, चूल्हा जला दिया है, आंच धीमी रखी है। अब इस पर रोटी डालेंगे, अब इस पर रोटी डालेंगे। ये देखें, इस तरह आराम से डाल दी, चूल्हे की आंच धीमी रखिएगा, वन अगर तेज़ आंच रखेंगे तो ये जल जाएगी। जब ये नीचे से हो जाएगी तो फिर हमें पलट के भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसको इस तरह घुमाते भी रहेंगे इस तरह, ये देखते हैं इस तरह करके। जी, हमारी रोटी नीचे से हो गई, अब हम इसे पलटेंगे इस तरह। ये देखिए, मैंने पलट दिए, ये देखिए हमारी बन गई है नीचे से भी, हमारी हो गई है। अच्छा, धीमी आंच पे इसलिए पकाते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए और बेसन कच्चा ना आए। तो बस ये तैयार होने वाली है, ये देखते हैं हम इसे नीचे से, ये हमारी हो गई है। अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे, ये हमने प्लेट में निकाल ली। इसके साथ हरी मिर्च, धनिया, लहसुन की चटनी बड़ी मज़ेदार लगती है। इस पर घी लगा के खाएं, मक्खन लगा के खाएं, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। ये लहसुन, धनिया, हरी मिर्च की चटनी है, ये डाल रही हूँ। अच्छा, मैं मक्खन और तेल नहीं डाल रही हूँ, घी नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही खा रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप तेल भी डाल लगा सकते हैं, जिस तरह आप चाहें खा लें। मैं इस तरह आपको दिखा रही हूँ, बड़ी मज़ेदार लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। सो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी, बेसन की रोटी।